नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। टिहरी जनपद के तहसील कंडीसौर में आग लगने से धरवाल गांव निवासी गिरारी लाल के नौली तोक में आवासीय मकान में आग लगने से घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे धरवाल गांव निवासियों ने मिलकर आसपास के क्षेत्र में आग बुझाई और प्रभावित परिवार का हालचाल जाना। वहीं मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग की टीम ने भी प्रभावित परिवार के हाल का जायजा लिया। बता दें कि राजस्व उप निरीक्षक रविंद्र कुमार ने कहा है कि रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, साथ ही यथासंभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो आग मुझे लगता है जंगल की आग है, जंगल में लगे कोई तुड़ंगा इनके घर में गया है, जिससे इनका एक कमरा और दो कच्ची गौशाला थी वो फूक गई है। बाकी जान माल की हानि कोई हुई नहीं है। थोड़ा बहुत सामान था उनका, राशन पानी बर्तन थे, वो फूक गए हैं। अब सुबह जो है हमारे अधिकारी इसमें कुछ उसको जो भी राशि होगी या कोई राशन पानी की सुविधा होगी वो दी जाएगी। पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पार्टी हाईकमान का निर्देश अगर सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए डोईवाला विधानसभा छोड़ने का हुआ तो वे अपनी विधानसभा डोईवाला तक सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री का पद तक छोड़ सकते हैं तो विधानसभा छोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि हाईकमान का निर्णय ही पार्टी के लिए सर्वमान्य है। जहां से हाईकमान चाहेगा वहां से तीरथ सिंह रावत विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत की एंट्री के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले बदलने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि प्रदेश का मुख्य प्रदेश हित में निर्णय लेने और बदलने के लिए स्वतंत्र है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आगाज हो गया है, जिसके चलते आईजी कुंभ संजय गुंजियाल, दीपक रावत, कुंभ मेला अधिकारी जन्मजय खंडूरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला हरिद्वार ने हरिद्वार गंगा घाट पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद लेना शुरू किया और उसके बाद महाकुंभ 2021 का आगाज कर दिया। आपको बता दें कि हरिद्वार में होने वाले चुनौतीपूर्ण महाकुंभ को सुरक्षा और भव्य रूप देने के लिए इन्हीं तीनों अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिनके कंधों पर कुंभ को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारियां हैं। संजय गुंजियाल, आईजी कुंभ मेला हरिद्वार ने बताया कि हमारी ओर से कुंभ मेले को सुरक्षा और कुशलता पूर्वक संपन्न कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट को भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। देखिए, आज से ऑफिशियली नोटिफाई हो गया, अर्चना की गई, कामना की गई कि मेला विघ्न हो, कोई दुर्घटना ना हो, सभी लोग यहाँ पे आए, आनंद से स्नान करें, अच्छे अनुभव लेके जाए, सभी सकुशल। सर ने मिलकर माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया है। पिछले एक साल से हम लगातार अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जो मेला है वो सकुशल संपन्न हो, और राज्य सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य है। तो आज 1 अप्रैल को आज पहले दिन पे हम लोगों ने सबसे पहले माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया है कि उनका आशीर्वाद बना रहे। हम लोगों ने हर दिशा पे अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, जो बेस्ट हो सकता है वो करने का, लेकिन बिना आशीर्वाद के हम लोग बढ़ना नहीं चाहते थे। तो आज आशीर्वाद लेने के बाद अब हम लोग जितने भी हमारे अभी काम है, काफ़ी सारे ऐसे कार्य हैं, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट को लेके, ट्रैफिक को लेके, और नई चुनौती के रूप में जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसकी वजह से जो नए चैलेंजेज आए उस पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं कि हम लोग भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दरअसल भाजपा की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा के नाम नहीं थे। इस पर विवाद होने पर बाद में भाजपा ने दोनों नेताओं को स्टार प्रचारकों में जोड़ा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण स्टार प्रचारकों की संख्या 30 रखने को कहा है। पहली लिस्ट में त्रिवेंद्र और बहुगुणा का नाम ना होने से साबित हो गया है कि दोनों नेताओं की भाजपा में क्या अहमियत है। इस दौरान धस्माना ने कहा कि भाजपा ने किरकिरी होने पर डैमेज कंट्रोल करते हुए दोनों नेताओं को भाजपा ने स्टार प्रचारक बताया है, लेकिन नई लिस्ट जारी नहीं की। इसके साथ ही धस्माना ने कहा कि चुनाव आयोग स्टार प्रचारकों की संख्या 30 तय कर चुका है। भाजपा बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा को जोड़ने के लिए किन दो नेताओं को स्टार प्रचारक लिस्ट से हटाया गया है। अगर दो नाम बढ़ाए गए हैं तो दो कौन घटाए गए हैं, या फिर त्रिवेंद्र और बहुगुणा को एक्स्ट्रा खिलाड़ियों में तो नहीं रखा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम जिस प्रकार से गायब है, उससे एक बात स्पष्ट है कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ही बलि का बकरा बना करके 4 साल में जो इस राज्य की जनता के प्रति अपराध इस सरकार ने किए हैं, बेरोजगारी जो चरम पर पहुंची है, राज्य में विकास का पहिया जो पूरी तरह से थम गया है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से जर्जर है,
राज्य के अंदर जो तमाम स्थितियां इस समय विद्यमान है उनके लिए केवल और केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिम्मेदार बता करके वो इस अपराध से मुक्ति पाना चाहते हैं। प्रदेश सहित जनपद पौड़ी में भी अब कोरोना एक के बाद एक फिर से अपने पैर पसारने लगा है। वहीं पौड़ी हॉस्पिटल इंद्रेश हॉस्पिटल के डॉक्टर ही खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि आप हमारी वीडियो नहीं बना सकते, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोंगदर ने कहा है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए उनके द्वारा जनपद के सभी मेडिकल ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि वो कोविड 19 टेस्टिंग बढ़ाएं। इसके साथ ही जनपद पौड़ी से लगी सीमाओं पर भी अधिक चौकसी रखने के निर्देश जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा दे दिए गए हैं। इसके साथ ही इन स्थानों पर चेक पोस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं और इन्हें चेक पोस्टों से बाहर आने वाले सभी यात्रियों की टेस्टिंग करने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ऋषिकेश में लागू करने की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सरकार पर योजना को लागू करने का दबाव बना रहे हैं। बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने संबंध में शहर में जुलूस निकाला, एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। मौके पर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है, जिसमें शीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना को ऋषिकेश में लागू कराने की मांग की गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा 2013-14 से आंदोलन चलता रहा है और प्रधानमंत्री आवासीय योजना को लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना जो यहाँ पे धरातल पर नहीं है, यहाँ के विधायक की अनदेखी के कारण यहाँ की जनता का उत्पीड़न हो रहा है और किसी भी पात्र को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वित्त वर्ष के कल आखिरी दिन लालडांग चिलरखाल कोटद्वार मोटर मार्ग के निर्माण का शासनादेश जारी किया गया। लंबे समय से इस मोटर मार्ग को लेकर अदालत से लेकर शासन तक जद्दोजहद जारी थी। पोखरों में निर्माणधीन टाइगर बाड़ी को भी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ये टाइगर बाड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाएगा। वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि इस टाइगर बाड़े के निर्माण से कोटद्वार ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार पर्यटन से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा वित्त वर्ष के आखिरी दिन कोटद्वार के ट्रिचिंग ग्राउंड के लिए भी वन भूमि गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तांतरित की गई। ऐतिहासिक कदम है क्योंकि पूरे आजादी के बाद से लेकर अब तक लोग इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे थे और ये मोटर मार्ग गढ़वाल से गढ़वाल को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है और इससे कोटद्वार की दूरी हरिद्वार के बीच में लगभग 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। सिर्फ 11 किलोमीटर बनने के बाद कोटद्वार की दूरी हरिद्वार से 11 किलोमीटर कम हो जाएगी, 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके लिए पहले भी हमने प्रयास किया लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को माने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी में जाने के बाद फिर नए सिरे से हमको इसके सड़क के निर्माण को लेकर काम करना पड़ा, जबकि 70% काम इस सड़क पर हो चुका था। फिर से हमें स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से लेकर सारी प्रक्रिया से ऊपर गुजरना पड़ा और अब फाइनली हम इस सड़क को स्वीकृत करा पाए। तो मैं सोचता हूँ ये एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। एसओपी जारी होने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने उत्तराखंड की सभी सीमाओं का निरीक्षण किया। सीमाओं पर बनाए गए कोविड 19 सेंटरों की भी जांच की गई। उत्तराखंड सीमाओं का निरीक्षण करने पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने सभी सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में आने वाले सभी यात्रियों को बिना कोविड जांच के उत्तराखंड में एंट्री न किए जाने का भी आदेश दिया है। हाल ही में देश के अलग अलग राज्यों में तेजी के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है तो उत्तराखंड प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कुंभ मेले में आने वाली भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। एसओपी के बाद सीमाओं पर किसी भी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर से जिलाधिकारी एसएसपी और कई अधिकारियों के साथ सीमाओं का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों में वैक्सीन लगाने के लिए काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की गाइडलाइन जारी की थी, जिसके चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने के लिए मिली।
मसूरी देहरादून कोलुखेत पानी वाले बैंक के पास से कार अनियंत्रित होकर सड़क से निचली सड़क पर जा गिरी, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही जान चली गई, वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मसूरी कोतवाल देवेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं दो शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे का शिकार सात में से पांच लोग दिल्ली और दो देहरादून के हैं। मृतकों में अभिषेक निवासी दिल्ली और अंकित निवासी देहरादून बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में मरीजों से अवैध रूप से की जा रही पैसों की मांग की शिकायतों के बाद डीएम रुद्रप्रयाग मनोज गोयल ने जिला अस्पताल की अनियमितताओं की जांच बैठा दी है। डीएम ने इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्य समिति का गठन कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। समिति एक सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल चिकित्सालय प्रशासन की अनेक शिकायतें लगातार डीएम के संज्ञान में दूरभाष और स्वयं मरीजों द्वारा प्रकाश में आई। इसमें मरीज के पास आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी अनधिकृत रूप से धनराशि की मांग करने सहित प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से मरीजों को दवाइयां व उपकरण इत्यादि सामग्री क्रय करवाना, मरीजों को अनावश्यक रूप से उच्च सेंटर संदर्भित कर जाने की शिकायतें सम्मिलित हैं। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा पर स्थित गरतांग गली का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नायाब इंजीनियरिंग का नमूना और भारतीय वित्त व्यापार का गवाह रहा दुनिया का सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार ये विश्व धरोहर गरतांग गली का जल्द ही पर्यटक फिर से दीदार कर सकते हैं। उत्तरकाशी जिले के ज्वारगंगा घाटी में स्थित सीढ़ी नुमा ये मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में शामिल है, जो संरक्षण के अभाव में अपना अस्तित्व खो रहा था, लेकिन अब सरकार करीब 64 लाख रुपए की लागत से गरतांग गली का पुनर्निर्माण करवा रही है, जिससे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। कुंभ नगरी हरिद्वार में आज से कुंभ मेला 2021 शुरू हो गया है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कोरोना बीमारी क्या धार्मिक आयोजन देखकर आती है, और जब राजनीतिक चुनाव या रैली होती है तो वहां पर कोरोना नहीं आता। उन्होंने कहा कि निरंतर चुनाव हो रहे हैं, पहले कोरोना काल में बिहार चुनाव संपन्न हुआ और पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहां पर कोरोना की पाबंदी नहीं लगाई गई है, जबकि 12 साल में एक बार आने वाला आस्था और धर्म के पर्व को तरह तरह की रोक लगाई जा रही है। जो लोग 12 साल से इस पल का इंतजार कर रहे थे, उन्हें एक तरह से ये कह दिया गया है कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, अगर आपको आना है तो 72 घंटे की कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और पंजीकरण कराकर यहाँ पर आना पड़ेगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।